हेलो बेटा, सिक्स साइंस कोचिंग क्लास में कल हमने पढ़ा था बेटा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ठीक है, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम रीड कर रहे हैं। तो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में हमने क्या रीड किया बेटा, हमने क्या एग्जांपल लिया इजी सा। ठीक है, हमने मिट्टी और पानी को घोल लिया, मडी वाटर लिया यानी कि कीचड़ वाला पानी लिया। तो उसमें पानी ऊपर रह जाएगा और जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी बेटा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। जो नीचे सेटल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। ऊपर लिक्विड बचेगा उसको हम दूसरे विकल्प में निकाल लेंगे, प्योर करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, समटाइम एलम इज एडिड टू मेक द सस्पेंडिकल पार्टिकल्स हैवियर टू द सेटल डाउन। ठीक है, कुछ एक सेटल सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं यानी कि मिट्टी के पार्टिकल होते हैं जो पानी में घुले रहते हैं, जो नीचे सेट नहीं होते, तो उनको सेट करने के लिए बेटा उसमें एलम डाला जाता है यानी कि फिटकरी डाली जाती है ताकि वो नीचे सेट हो जाएं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, लोडिंग बोलते हैं। यहाँ तक अपना हमने रीड कर लिया था, इससे आगे हम रीड करते हैं। इन मडी वाटर दी फाइन मड एंड डस्ट पार्टिकल आर सस्पेंडेड विच डू नॉट सेटल डाउन ईजिली। ठीक है, जो मडी वाटर होता है, कीचड़ वाला पानी होता है, उसमें फाइन मड होती है या फिर डस्ट के पार्टिकल होते हैं जो ईजिली नीचे सेटल डाउन नहीं होते। एलम विच इज सोल्यूबल इन वाटर यूज टू लोड द पार्टिकल ऑफ द क्ले। अब जो एलम फिटकरी होती है जो पानी में घुल जाती है, उसको इन पार्टिकल को सेटल डाउन करने के लिए कि लोड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि जो क्ले है, क्ले के पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल हो जाएं। दे बिकम हैवियर एंड सेटल डाउन, दीज पार्टिकल कैन बी इजिली रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। ये एलम के साथ चिपक के ये पार्टिकल क्या बन जाते हैं बेटा, हैवी बन जाते हैं और फिर ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर बाद में इनको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से क्या कर लिया जाता है बेटा, सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, देखो अपने पास सस्पेंडेड मड पार्टिकल नीचे ही सेट हो गए, इसको हमने लोडिंग की हेल्प से एलम डाला, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, सेटल्ड मड पार्टिकल्स। ठीक है, फिर आता है फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू रिमूव इनसोल्यूबल कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ ए पोरस फिल्टर पेपर, स्ट्रेनर, मसलिन क्लॉथ एक्सेट्रा। ठीक है, ये मेथड कब यूज करते हैं बेटा, जब किसी लिक्विड में अपने पास इनसोल्यूबल कंपोनेंट हो यानी कि जो पानी में घुले ना, ऐसा कंपोनेंट अगर मौजूद है तो उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से या फिर मसलिन क्लॉथ की हेल्प से या कॉटन क्लॉथ की हेल्प से या छलनी की हेल्प से क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को छलनी से निकाल लेते हैं और चाय अपने पास नीचे हम दूसरे कप में निकाल लेते हैं, तो वैसे हमने उसको क्या किया, फिल्टर किया है। ऐसे ही फिल्टर पेपर काम करता है। The filter is selected on the basis of size of insoluble component. जो filter है वो किस basis पे select किया जाता है बेटा, कि जो component है उसका size क्या है। ठीक है, size बड़ा है या छोटा है, उस basis पे ही हम filter का choice लेते हैं। The liquid which passes through the filter and comes down is called filtrate. ऐसा liquid जो filter में से pass हो जाता है और नीचे आ जाता है beaker में, उसको हम collect कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, filtrate बोलते हैं। एंड द इंसोल्यूबल कंपोनेंट लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर इज कॉल्ड रेजिड्यू, और जो बच जाता है ऊपर उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। जैसे मैंने अभी चाय का एग्जांपल दिया, तो हमने क्या किया, चाय पत्ती क्या रह जाएगी, अपनी छलनी के ऊपर रह जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेजिड्यू बोलेंगे। और चाय को हमने नीचे बर्तन में निकाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, देखो एक्टिविटी आती है, टेक सम मडी वाटर इन ए बीकर, एक बीकर में मडी वाटर लेंगे, टेक ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर का टुकड़ा लेंगे, फोल्ड इट टू मेक ए कोन, और अब एक कोन बनाने के लिए क्या करेंगे, टेक ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का एक टुकड़ा लेंगे बेटा, फोल्ड इट टू मेक ए कोन, और इसको एक कोन लाइक स्ट्रक्चर देने के लिए फोल्ड करेंगे, एंड फिट इट टू इन टू ए फनल, और फिर इसको एक फनल में फिट कर देंगे, स्लोली प्योर द मडी वाटर ओवर द फिल्टर पेपर। अब क्या करेंगे, जो मडी वाटर है, कीचड़ वाला पानी है, उसको धीरे धीरे इस फिल्टर पेपर में डालेंगे। ठीक है बेटा, देखो जैसे हमने क्या किया, ये अपने पास क्या है, फिल्टर पेपर के लिए पेपर है। ठीक है, अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे, फिर हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और थ्री साइड हम क्या करेंगे, थ्री फोल्ड एक साइड और वन फोल्ड एक साइड रखेंगे। ठीक है, थ्री फोल्ड वन साइड एंड वन फोल्ड वन साइड, इस तरह से अपने पास कोन तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर का कोन है वो रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको फनल में लगा के और फिल्टर करेंगे, तो जो मड है वो ऊपर रह जाएगा और पानी है नीचे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी बेटा, ऑन फिल्ट्रेशन क्लियर वाटर फ्लोज डाउन दी फनल, जैसे ही हम फिल्टर करेंगे तो जो साफ पानी है वो फनल में नीचे आ जाएगा, एंड मड इज कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर, और जो कीचड़ है वो किस में, फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन।
दिस इज़ द प्रोसेस इन विच लाइटर कंपोनेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर कंपोनेंट। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइटर कंपोनेंट को हम हैवी कंपोनेंट से अलग करते हैं। बाय चर्निंग, इट इज़ डन बाय रोटेटिंग द लिक्विड ऑन ए हाई स्पीड बाय हैंड्स। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, लिक्विड है उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, या तो हाथों की हेल्प से करते हैं या फिर हम इसको मशीन्स की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मिक्सर मिलाते हैं ना, ग्राइंडर या मिक्सर का यूज करते हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज फॉर सेपरेटिंग ब्लड सेल्स फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स। ब्लड सेल को प्लाज्मा सेल से अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क, जो मिल्क है उससे फैट अलग करके प्योर मिल्क निकालते हैं इससे। सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम क्लॉथ बाय स्पिन ड्राइंग इन वॉशिंग मशीन। देखो सीधा सा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो वॉशिंग मशीन में जब हमारे क्लॉथ रोटेट करते हैं, ऐसे ही क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसमें हम लिक्विड को फिल कर देते हैं और फिर वो रोटेट करती है। सेपरेटिंग सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर यूरिन इन फोरेंसिक रिसर्च लैब। रिसर्च लैब में भी इस चीज़ का यूज किया जाता है। देखो ये क्या है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, तो ये ट्यूब दे रखी है, इन ट्यूब में हम क्या करते हैं, लिक्विड को फिल कर देते हैं और फिर हाई स्पीड पे उसको रोटेट किया जाता है, तो जो सॉलिड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जो लिक्विड है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, बाद में हम उस लिक्विड को अलग बीकर में निकाल लेते हैं और सॉलिड होता है उसको हम फिल्टर पेपर पे इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है वो अपनी हेल्प करता है। ठीक है, देखो एक्टिविटी दे रखी है, टेक मिल्क इन ए पोट एंड चर्न इट विद द हेल्प ऑफ वुडन स्पून और लैडल यूज फॉर दी चर्निंग। ठीक है, जैसे अपने घर में रई यूज़ करते हो ना दूध को मतने के लिए, ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे भी हमने एक मिल्क लेना है एक पोट में और क्या करना, उसको चर्न करना है वुडन स्पून की हेल्प से। ठीक है, कीप रोटेटिंग द लैडल एट ए हाई स्पीड, और जो लैडल है, जो हमारे पास स्पून है या फिर रई है, उसको हम हाई स्पीड पे क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, रोटेटिंग करने से क्या होगा, जो लैडल है उसको हम कुछ टाइम तक अच्छी स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं, तो क्रीम बींग लाइटर कलेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ जो है वो क्रीम इकट्ठा हो जाएगा। द मिल्क बींग हैवियर सेटल डाउन बिलो द क्रीम लेयर। ठीक है, और जो मिल्क है वो कहाँ होगा, जो हैवी लेयर है क्रीम की उसके नीचे इकट्ठा होता रहेगा। इस तरह से हमारे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन है वो सेपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक को आपको रीड करना है, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।